किसान आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट है कि सुबह 11 बजे फिर आंदोलनरत किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने खास तैयारी की है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 700 दंगा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को दिल्ली चलो मार्च के बीच एक ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि सरकार किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि MSP की मांग, पराली का विषय, FIR पर बातचीत इत्यादि के लिए तैयार है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। बता दें कि सुबह 11 बजे से प्रदर्शनकारियों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो चुका है। खबर सामने आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। वहां हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने पांचवें दौर की बातचीत के लिए किसानों को न्योता दिया है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।